हमने लूप्स के बहुत सारे प्रोग्राम देख लिए थे, पांच प्रोग्राम हम लूप के लिख चुके थे, अब हम छठा प्रोग्राम लिखेंगे लूप का। और छठे प्रोग्राम में हमारी एप्लीकेशन कुछ सिंपल लूप्स लिखेंगे, यानी चार पांच प्रोग्राम्स और प्रैक्टिस करेंगे, और चार पांच प्रोग्राम्स और प्रैक्टिस करने के बाद हम लूप्स के एडवांस कॉन्सेप्ट पे, यानी नेस्टेड लूप पे जाएंगे और नेस्टेड लूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिस्ट देखा था, अब हम आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। और प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक लिस्ट है, सबको पता है। इससे पहले हमने लिस्ट बनाई थी लैंग्वेजेस की, अब लिस्ट बनाइए नंबर्स की। और ये लिस्ट सबको नज़र आ रही है, इस लिस्ट में हमारे पास जो है नंबर हैं चार। तो एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इसमें कितने हो गए, चार एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर। और हम ये करना चाहते हैं कि हम लूप इस्तेमाल करें और लूप इस्तेमाल करके इन चार एलिमेंट्स का स्क्वायर निकाल लें, यानी वन का स्क्वायर वन होता है, फाइव का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो इस तरह कुछ इसको इस्तेमाल करें और लूप के ज़रिए हर एलिमेंट को एक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद उसका स्क्वायर निकाल लें। तो ये काम अब हमने करना है, और इस लिस्ट का नाम लिख लेते हैं और इस प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम नंबर हमारे पास इज इक्वल्स टू करके नंबर्स लिख देते हैं, 1, 5, 12, 91 कुछ भी लिख लेते हैं, 102। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नंबर्स, और इसके एलिमेंट कितने, पांच एलिमेंट है। तो हम इस लें और लूप लिखते आई एन, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जिस तरह लैंग्वेजेस पे लगाया था इसी तरह नंबर्स पे लगाइए, खुद ब खुद लिस्ट के अंदर जाएगा, इसके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट आई, अगर हम आई लिखें तो इसके पांचों नंबर प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन हम आई नहीं लिखना चाहते, हम इसका स्क्वायर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, आई मल्टीप्लाई बाय आई। ये थोड़ा सा जहन है जो आपने इस्तेमाल करना है प्रोग्रामिंग में, और आप जो है इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं, देखें इसने हमारे पास हमें स्क्वायर करके दे दिया, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, 10। ये 1000 एलिमेंट की भी लिस्ट हो, इसी तरह सेकेंडों में इनका स्क्वायर भी निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये बहुत आसान सा प्रोग्राम था। अब आते हैं थोड़े से मुश्किल प्रोग्राम की तरफ, बल्कि मुश्किल नहीं कहूँगा, प्रोग्राम देखेंगे हम एक, जिसमें जो है हम लेंथ ऑफ द लिस्ट पे बात करेंगे कि पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप लूप तो इस्तेमाल करें और लेंथ भी मालूम कर लें, यानी आपने लूप चलाना है, आप इतना चलाएं जितनी लिस्ट की लेंथ है। तो एक और प्रोग्राम लिखते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं लूप 7 का, और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और ये अपनी लर्निंग के लिए है फिबोनाची नंबर, हम इसको लिख लेते हैं। और अपने पास इस जो है वो क्या है, इस लिस्ट के अंदर सारे फिबोनाची नंबर्स जो है उनको डिफाइन करते हैं, 1, 1, 2, 3, 5 और 8, कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ बना रहा हूँ इसकी लिस्ट। और इसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स डाल दिए। अब मुझे नहीं पता ये कितने हैं, और भी हो सकते हैं ये नंबर्स, हम मैं इसके ऊपर लूप लगाने की कोशिश करूँ फॉर आई। चाह रहा हूँ मैं रेंज का ही मेथड इस्तेमाल करूँ और मैं जो है लिस्ट का नाम ना लिखूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है, हम रेंज लिखें और रेंज के फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख दें एल ई एन। वॉट इज एल ई एन, एल ई एन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, और फिर उसके बाद एल ई एन का अपना ब्रैकेट बनाए और उसके अंदर लिस्ट का नाम लिख दें। तो लिस्ट का नाम क्या है, फिबोनाची है, तो हमने लिख दिया। तो अब ये लूप चलाएगा और लूप जीरो से ही चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा, जितनी लेंथ ऑफ द लिस्ट है। तो अब 1000 एलिमेंट की भी लिस्ट हो तो मुझे ये पता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल ई एन और लिस्ट का नाम। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आई इन रेंज भी नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्ट लिस्ट का नाम लिख दें। तो हमने यहाँ पे ये लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक लॉजिकल मेथड मैं इस्तेमाल करूँगा, मैंने आई प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आई से क्या होगा भाई, सबको पता है आई से क्या होगी, प्रिंट होगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास आई हमने इस्तेमाल किया रेंज के साथ। अगर हम यहाँ पे आई लिखते हैं तो ये क्या करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रिंट कर रहा होगा। इसके बाद रहे जब हमने आई डायरेक्ट लिस्ट के नेम पे लगाया था, कोई रेंज कोई लेंथ नहीं इस्तेमाल किया था, तो क्या कर रहा था आई, पूरे पूरे एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, स्पेनिश, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक,
उनको एग्जीक्यूट करा, लेकिन अब हमने आई रेंज के साथ इस्तेमाल किया, और अब आई क्या करेगा, नंबर्स प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि अब रेंज का फंक्शन डिफाइन हुआ है। रेंज का फंक्शन क्या करता है, लिमिट्स मांगता है हमसे स्टार्ट और स्टॉप की। तो हम रेंज में लिखते हैं 10, तो 0 से 10, 9 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम चाह रहे हैं कि आई भी प्रिंट हो, उसके बाद हम इस फाइबोनाची सीरीज को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडेक्स, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे क्या लिख दिया, आई। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, हमने क्यों किया, इसकी एक वजह है, हमने यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स, हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, इंडेक्सेस, हम वो फाइंड कर रहे हैं कि फाइबोनाची ऑफ 0 इस पे क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। फाइबोनाची ऑफ 1 पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। फाइबोनाची ऑफ 2 पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। फाइबोनाची ऑफ 3 पे क्या मौजूद है, 2। तो यानी फाइबोनाची आई तो हमारे पास क्योंकि रेंज के साथ है, तो ये 0 से 9 तक की काउंटिंग या 0 से जितनी भी लेंथ है उसकी काउंटिंग प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने लिखा है फाइबोनाची स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप 4 लिख दें तो ये फोर्थ लोकेशन प्रिंट करेगा इस लिस्ट की। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई। अब ये तरीका इस तरह का है कि आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0 लोकेशन एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1 होगी 1। तो ये लॉजिक है, जब आपने फॉर का लूप इस एहतियात के साथ और इस होशियारी के साथ आपने इस्तेमाल किया, ये हर नंबर को एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट भी करा देगा। तो आए इसको देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है ये और बड़ा लॉजिकल भी है। तो अब इसने क्या किया देखें, इसने 0 से 8 तक की काउंटिंग प्रिंट की, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी, 9 एलिमेंट्स की लिस्ट थी, तो इसने खुद बखुद लेंथ निकाली, 0 से 9 की काउंटिंग प्रिंट की। उसके बाद हर एलिमेंट के सामने क्या प्रिंट किया, इसने हर एलिमेंट के सामने प्रिंट किया फाइबोनाची ऑफ 0 की लोकेशन पे कौन था, 0। 1 की लोकेशन पे कौन था, फाइबोनाची ऑफ 1 पे 1। फिर 2 की लोकेशन पे कौन था, 1। 3 की लोकेशन पे कौन था, 2। फिर 6 की लोकेशन पे कौन था, 8। 7 की लोकेशन पे कौन था, 13। तो ये इसने फाइबोनाची सीरीज, फाइबोनाची की जो लिस्ट थी उसको कॉल किया, लेकिन कैसे, बाय नेमिंग द इंडेक्सेस, बाय नेमिंग द पोजीशन। तो आप लूप से पोजीशन भी एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम इस प्रोग्राम में देना चाहते थे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर किसी को ये समझ नहीं आता तो ये सारी चीज़ें मिटा के और सिंपल भी कर सकता है। वो क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और वो चाहता है कि मैं इस फाइबोनाची सीरीज जो है इसकी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लोकेशन पे क्या ये एक्सेस करूँ। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट बनाए और लिख दे 5, आई ना लिखें, यहाँ पे लिखते हैं 5। तो ये खुद ही जाएगा 5 लोकेशन पे, जो होगा उसे प्रिंट करके ले आएगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं, हमने यहाँ पे फाइबोनाची ऑफ 5 किया तो 5 लोकेशन पे 5 ही है, तो इसने 5 को प्रिंट कर दिया। अब मैं कहूँ इससे कि भाई 6 लोकेशन प्रिंट कर दो, तो ये 6 लोकेशन पे जाएगा और 6 लोकेशन प्रिंट कर देगा, तो इसने 6 लोकेशन पे 8 था ये प्रिंट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप लूप से भी कर सकते हैं, और लूप को अगर एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें आई के थ्रू, यानी लूप से आप इंडेक्सेस, पूरी लिस्ट के इंडेक्सेस भी एफिशिएंटली फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हो गया। अब हम एक और प्रोग्राम की तरफ आते हैं और उस प्रोग्राम को भी देखते हैं कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो 7वें के बाद हम 8वें प्रोग्राम पे आते हैं और 8वां प्रोग्राम देखते हैं, और उसमें भी हम लूप देखेंगे कि लूप हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आए 8वें प्रोग्राम को देखते हैं। 8वां प्रोग्राम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, और हम चाहते हैं उसमें हम सम निकाल दें, और वो भी लूप्स के थ्रू निकालें, फॉर लूप के थ्रू निकालें। तो आए नंबर्स की लिस्ट देखते हैं। नंबर्स की लिस्ट ये हमारे पास लिखी हुई है, और इसको अगर देखें क्या है, लिस्ट में लिखा हुआ है 6, 5, कोई भी लिस्ट बना दें, 7, 12, 14, 67, 98, 112, ये हमने लिस्ट बना ली। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ऑटोमेटिकली सम जनरेट हो जाए। तो डबल बना लेते हैं, उसकी वैल्यू कड़ी नहीं है 0। अब हम ये चाहते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 6 + 5 + 7, हम इन एलिमेंट्स को लिख के देख लेते हैं हम क्या चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं 6 + 5 + 7 + जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट में वो सब प्लस हो जाए और हमें क्या मिल जाए, सब मिल जाए। तो हम ये काम करना चाहते हैं किसके थ्रू, लूप के थ्रू। तो ये हमारा टास्क है जो कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं।
इसमें, तो ये टास्क हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं कुछ। तो हम लिखते हैं लूप, लिखते हैं फॉर नंबर्स, और फिर आई इन नंबर्स लिखने के बाद हम यहाँ पे इस लूप को ओपन करते हैं, ये नंबर्स में जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम टू अब ये बड़ा एफिशिएंट यहाँ पे क्यों भाई, ये क्यों एफिशिएंट है और हम इस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं द टोटल, वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। आपको पता है जब भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, जब भी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है, वो इंडेक्सेस पे नहीं जाता बल्कि वो लिस्ट के डायरेक्ट एलिमेंट्स पे चला जाता है। तो लिस्ट के डायरेक्ट एलिमेंट क्या है, 6, 5, 7। तो वो क्या करेगा, इस सम के वेरिएबल में पहले 6 को कॉल करेगा जब पहली पहली पोजीशन आएगी, फिर 7 को कॉल करेगा, फिर उसके बाद वो जो है 12 को कॉल करेगा, इसी तरह वो एक एक करके सब नंबर्स को कॉल करता रहेगा। अच्छा, अब जब आप इस लूप को चलाएंगे तो आई की वैल्यू वो किस तरह बदलेगी, ये है सवाल। तो आई की वैल्यू किस तरह बदलेगी, तो आप देखें आई आपने इस्तेमाल किया है इस जगह पर, और आपको याद होगा जब भी हम लिस्ट का डायरेक्ट नाम लिखते हैं तो क्या होती है, पूरी वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले सम में क्या होगा, 0। सबसे पहले सम की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब आप इसके अंदर पहली पोजीशन पे जाएंगे तो 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद सम की वैल्यू हो जाएगी 6। दोबारा लूप चलेगा तो सम की वैल्यू पहले से क्या होगी, 6। और अब जब लूप चलेगा तो वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो क्या होगा, 6 + 7। देन क्या होगा, 6 + 7 13 हो जाएगा, सम की वैल्यू फिर 13 हो गई, फिर लूप चलेगा तो अब लूप 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, जितना बड़ा आपका लिस्ट है उतनी दफा लूप चलेगा। तो पहले 6 + 5 होगा सेकंड पोजीशन पे, फिर अगली पोजीशन पे क्या होगा, 11 हो जाएगा, 11 + 7 होगा। तो इस तरह ये लिस्ट, ये लूप जो है फॉर का, ये पूरी लिस्ट पे चलेगा। तो सम की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही लूप एक दफा चला, ये 0 पोजीशन पे गया, इसने 6 सेव करा ली सम की वैल्यू। फिर दोबारा लूप चला तो सम की वैल्यू 6 थी, अब नया पोजीशन आई, नया एलिमेंट आया, 6 + 5 हो गया, तो 6 + 5 क्या होता है, 11। फिर 11 + 7 हो जाएगा, 11 + 7 क्या होता है, आपको सबको पता है, 18। फिर इसी तरह ये पूरी लिस्ट के ऊपर फॉर का लूप चलाएगा और हमें आंसर दे देगा। तो हम इसको चेक करते हैं बड़ी आसानी से, लॉजिकल टेक्निक, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन और जो है समझ बूझ के साथ एप्लीकेशन की है लिस्ट के ऊपर फॉर लूप की। तो हम पूरे एलिमेंट्स, जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है उसको ऑटोमेटिकली सम निकालने में भी कामयाब है। तो हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं, इसने सम निकाल दिया, 221 इस पूरी लिस्ट का सम है। तो हम इसके एलिमेंट और भी बढ़ाते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट बढ़ाते हैं तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे 9 एक और ऐड कर दिया और हम दोबारा रीनेम करते हैं, अब तो 230 हो जाना चाहिए सम, तो अब देखें सम 230 हो गया। तो जितनी एफिशिएंटली आप समझेंगे कोड को, उतना एफिशिएंटली आप लिस्ट को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, उतनी ही एफिशिएंटली आप कोड रन कर सकते हैं। तो ये बड़ा लॉजिकल सा कोड है, बहुत छोटा सा, और सम का फंक्शन इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो लूप इस्तेमाल किया है आई इन नंबर्स, दोबारा इसकी बात कर लेते हैं, ये इंडेक्सेस पे नहीं जाता, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो आपने सम पहले 0 स्टोर करा दिया, जैसे ही ये सम 0 था और प्लस आई, 0 पोजीशन इसने चेक की, 0 + 6 कर दिया यानी 6 आंसर आया, फिर सम की वैल्यू में 6 स्टोर हो गया। फिर जब ये 0 लूप चला तो लूप 1 पोजीशन पे गया, 1 पे से 5 मिला, फिर इसने स्टोर्ड वैल्यू में 5 को ऐड किया, फिर नई वैल्यू स्टोर हो गई, फिर ये ऊपर गया स्टोर्ड वैल्यू में, इसने 7 को स्टोर किया, इसी तरह सो ऑन ये लूप चलता रहेगा। तो ये तरीका है, जब आप लूप समझ जाएंगे तो आप लॉजिकली इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारे अपने रिलेटेड और डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो लूप की बेसिक बातें थी, अब हम आते हैं नेस्टेड लूप की तरफ, यानी दो लूप्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी एक लूप तो आपको व्हाइल लूप भी इस्तेमाल करना आता है, फॉर लूप भी आप एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं, हम ऐसा कुछ लिखें कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी दो लूप्स
एक लूप लिखा, उसकी बॉडी में गए, उसकी बॉडी में दूसरा लूप लिखा हुआ है, उसकी बॉडी में गए, उसकी बॉडी में तीसरा लूप लिखा हुआ है। तो इस तरह का लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का लेक्चर नंबर 1 है, हम इसके ऊपर आते हैं और इसको देखते हैं कि ये नेस्टेड लूप हम किस तरह परफॉर्म करेंगे और लिखेंगे किस तरह। तो नेस्टेड लूप का जो हमारे पास सवाल है, जो हमें सॉल्व करना है, वो सवाल ये है हमारे सामने, और इसमें हमें ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये कैसे लिखते हैं, क्या होता है, हम जरा इसको समझते हैं। ये लिखे हुए मेरे पास 4 1 और यहाँ पे भी 4 1, ये 4 रॉज हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और 4 कॉलम्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, सबको नजर आ रहा है 4 रॉज और 4 कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, प्रॉपर स्क्वायर। मैं चाहता हूँ आप लूप्स को इस्तेमाल करते हुए, नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए ऐसा प्रोग्राम लिखें कि मैं इसको इनपुट दूँ 2, तो इस पूरी इसी तरह की एक फिगर बन जाए जिसमें हर जगह क्या लिखा हो, 2 2 2 2 2 2 2। आपको मैं कोई इनपुट दूं 3, तो आप ऐसा लॉजिकल प्रोग्राम लिखें कि इसी तरह का एक स्क्वायर बने, उसमें हर तरफ 3 लिखा हो, जिस तरह 1 है 1 रिप्लेस हो जाए। तो इसको समझना, जिसने लूप्स बहुत अच्छी तरह समझ लिए वो ये प्रोग्राम लिख सकता है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। तो मैं चाहता हूँ मैं इनपुट दूँ और ये 4 बाय 4, 5 बाय 5, 10 बाय 10, जैसा भी आप चाहते हैं उतना बड़ा एक स्क्वायर हमें प्रिंट करके दे दे। तो आए ऐसा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोग्राम को समझना है, क्योंकि जो लॉजिक्स लूप में इस्तेमाल हो रही हैं, अगर वो समझ में आ गई तो ये प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। तो इस प्रोग्राम को लिखते हैं, और सबसे पहले हम कहते हैं इस साइड कह लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, और हम इसे कहते हैं का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो हम हमेशा इस्तेमाल करते आए, और इसमें बोलेंगे हम इसे कि प्लीज एंटर एनी साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई कितनी कितना बड़ा आपने स्क्वायर बनाना है, 4 बाय 4 का बनाना है, 5 बाय 5 का बनाना है, क्या कितना बड़ा आप स्क्वायर चाह रहे हैं, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। चले नंबर को अगर आप फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट भी कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कितनी रॉस और कितनी कॉलम्स का आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं। नंबर भी हम चेंज करके देखेंगे, हम चाहते हैं कि हम 4 बाय 4 4 रॉस और 4 कॉलम का स्क्वायर बने, क्योंकि स्क्वायर में तो रॉस एंड कॉलम इक्वल ही होते हैं। तो हम इससे पूछते हैं प्लीज एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हम पूछते हैं, खुद पूछते हैं प्लीज एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, प्लीज एंटर स्क्वायर, हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो इनपुट लेंगे ये इंटीजर होगा, तो इसको हम पहले से लिख देते हैं इंटीजर, और इस ब्रैकेट को बंद भी करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो। ये बंद कर दिया हमने ब्रैकेट, अब हम इंटर करते हैं। तो ये कोई भी इनपुट देंगे हम इसको कि भाई 4 बाय 4 का स्क्वायर बना के दो, यानी एलिमेंट्स हम खुद फिल कर लेंगे, 1 2 3 4 जो फिल करना है फिल कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर कितना बड़ा हो, सवाल तो असल ये है कि उस स्क्वायर को हम कितना बड़ा चाहते हैं, कितनी रोज और कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं, वो इनपुट हमने लिया। हम आगे जाके नंबर्स का भी इनपुट ले सकते हैं। तो अब हम इसके लिए एक लूप लिखते हैं। तो लूप लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेस्टेड लूप लिखेंगे, डबल लूप, यानी एक लूप उसके अंदर दूसरा लूप। तो लूप लिखने के लिए सबसे पहले जो आसान चीज है जो कि हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि सबसे पहले जाके देखें अपने क्वेश्चन को। तो अपने क्वेश्चन में हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ है जो कि हमें करनी है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में जाएं तो देखें यहाँ पे जो है रॉस को देखें, रॉस भी 4 हैं, कॉलम्स भी 4 हैं, ये पहली सिमिलैरिटी है जो कि हमें मिल रही है, यानी हमें रॉस भी 4 बनानी है और कॉलम्स भी 4 बनाने, और हर रॉ में एलिमेंट भी 4 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आउटर डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आउटर डायग्राम हमें ये बता रही है, अगर बाहर से देखें कि भाई ये एक मैट्रिक्स या टाइप की कोई चीज़ है, इसमें 4 रॉज है और 4 कॉलम है, ये आउटर लूप है। अंदर क्या है अभी इसकी बात नहीं हो रही, तो मैं आउटर लूप लिख रहा हूँ इसका, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, ये आई इन रेंज लिख दिया, अब ये कितनी बड़ी बनानी है भाई, ये लूप आउटर जो है रॉज एंड कॉलम 4 4 है ना, वो कितना, वो तो एक ही लूप से हम चला लेंगे, जो सेम चीज होती है वो एक लूप से चला लेंगे। भाई कब तक चलाना है ये लूप, यहाँ पे लिख देते हैं साइड। ये साइड क्यों लिखा भाई, ये जो आप ऊपर इनपुट देंगे ना, जो आप ऊपर इनपुट देंगे उस इनपुट को हमने साइड ले लिया, यानी आप इनपुट देंगे 5 रॉ 5 कॉलम का बनाओ, तो हम 5 रॉ 5 कॉलम का बना देंगे। आप इनपुट देंगे भाई
चार रो चार कॉलम का बनाओ तो लूप उसी हिसाब से चल जाएगा। तो लूप में ये कमाल है कि आप एक दफा लॉजिक बनाए और आप फिर उसको आगे हमेशा इस्तेमाल करते रहे। तो आपने ये कर लिया, अब हम चाहते हैं कि भाई आउटर तो हमने कर लिया 4x4 का, अब हम चाहते हैं कि भाई आउटर तो बने लेकिन अब इनर बॉडी भी तो देखी जाए। आउटर भाई चार रो चार कॉलम पे आपने आना है, लूप यहाँ आए इस रो पे इस रो पे इस रो पे इस रो पे, बाहर बाहर से चार रो चार कॉलम बन जाए, ठीक है भाई। लेकिन अब इनर बॉडी भी तो देखो, इनर बॉडी में क्या होगा भाई, ये यहाँ पे पहुंच गया पहली रो पहले कॉलम पे, अब इसे पहली रो में कुछ लिखना है, फिर पहली रो के दूसरे कॉलम में कुछ लिखना है, फिर पहली रो के तीसरे कॉलम में कुछ लिखना है, फिर पहली रो के चौथे कॉलम में लिखना है। ये इनर बॉडी है लूप की, ये हमें परेशान करिए भाई। हम पहले आ जाएंगे पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी रो सब पे आ जाएंगे, पहली रो पे आ जाएं फिर पहली रो के आने के बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम सब कवर कर लेंगे। ये तो हमारे लिए आसान बात है कि भाई ये हम खड़े हुए पहली रो के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहली रो में खड़े हुए, और पहली रो में खड़े होने के बाद जीरो कॉलम, पाइथन में हम पहले कॉलम को जीरो कॉलम कहते हैं, जीरो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम, ये चारों कॉलम कवर कर लें। फिर हम आए दूसरी रो में और फिर उसके बाद चार कॉलम इसी तरह कवर कर लें। तो आउटर बात तो समझ में आ गई, इनर बात ये है कि ये चार कॉलम कवर करने और इन सब में क्या लिखना है, वन 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 वन, ये कैसे लिखेंगे, असल सवाल तो ये है। तो हम लूप में मौजूद हैं, इसी लूप के अंदर हमने एक और लूप कॉल किया है इसको, ताकि आपको बातें समझने में आसानी हो। इसके अंदर एक और लूप लिखा है और उसके अंदर भी कोई खास बात नहीं है, उस लूप के अंदर भी यही लूप कॉल करा दिया, कॉल नहीं कराया, नया लूप लिख दिया और इस लूप का नाम भी वही है, ठीक है जी। और इस लूप के अंदर चलेगा, पहले एक लूप लिखा उसके अंदर एक लूप लिख दिया, और इस लूप में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, इस लूप में हम प्रिंट करा रहे हैं इनर इनर बॉडी ऑफ द फंक्शन है ना, तो इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं वन, और फिर उसके बाद हम कॉमा डाल लें, कॉमा डालने के बाद हम प्रिंटिंग ये अच्छी सी हो, हमें नज़र भी आए अच्छी सी, तो हम यहाँ पे गैप डाल लें भाई, तब देखें इस गैप को, ये हमने तो जो स्पेस सेपरेट कर रही है वो भी पाइथन में एक करेक्टर है, तो हमने यहाँ पे खाली जगह छोड़, इसमें हो रहा क्या है बड़ी गौर से दोबारा से समझने की बात है। एक लूप लिया, ये लूप चलेगा, पहला लूप जैसे ही चलेगा पहला लूप स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या होगा जैसे ही पहला लूप स्टार्ट होगा ये दूसरे लूप में आ जाएगा और दूसरा लूप चलना शुरू हो जाएगा, तो दूसरा लूप 4 टाइम चलना है, यानी दूसरे लूप को जब 4 टाइम्स चलना है तो दूसरा लूप क्या करेगा, पहले आएगा इस वन प्रिंट करेगा फिर जगह छोड़ेगा फिर वन प्रिंट फिर जगह छोड़ेगा फिर वन प्रिंट फिर जगह छोड़ेगा फिर वन प्रिंट, पहला लूप 4 टाइम्स चलेगा, क्यों भाई, फॉर आई इन रेंज 4 टाइम्स चल गया पहला लूप। अब ये जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो इसका एक काउंट पूरा हो जाएगा बाहर वाले लूप का, फिर उसके बाद दोबारा ये जाएगा, दोबारा जाएगा तो किस रॉ में आएगा, दूसरी रो में आ जाएगा, फिर ये अपने 4 टर्म्स पूरे करेगा, फिर इसका दूसरा काउंट पूरा हो जाएगा, फिर ये अपना तीसरा काउंट शुरू करेगा, तो फिर दूसरा लूप क्या करेगा, फिर ये 4 दफा प्रिंट करेगा, तीसरा काउंट भी हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बड़ा लूप शुरू हो जाएगा। तो आउटर और इनर मिलके इस पूरे मैट्रिक्स को बना रहे हैं। अच्छा, हमने ये प्रिंट कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करें, हम उसको प्रिंट करने के बाद इस लूप में तो थे, हमने ये सारी चीजें प्रिंट कर दी, अब हम थोड़ा सा इस लूप से बाहर निकलते हैं और इधर आते हैं, यानी अब हम इस लूप को 4 दफा चला लिए, 4 दफा वन प्रिंट कर दिया, अब हम लाइन भी तो छोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं लाइन छोड़े और उसके बाद अगली रो में आए, तो हमने इस लूप से बाहर निकल के खाली ब्रैकेट बना दी, यानी ये लाइन छोड़े और फिर उसके बाद यानी 4 मरतबा वन प्रिंट करे और वन प्रिंट करने के बाद एक लाइन छोड़े और फिर उसके बाद वापस ऊपर वाले लूप में चले जाए, वापसी ऊपर वाला लूप, फिर दूसरे लूप को हैंडल पास कर, फिर ये दूसरा काम करना शुरू कर दे। तो अब जरा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। इस प्रोग्राम इसने हमसे पूछा प्लीज इंटर द साइड ऑफ द, हम 4 लिख देते हैं कि भाई 4x4 का हमें स्क्वायर बनाना है, तो देखिए 4x4 का स्क्वायर आपके सामने बन गया। अब इस प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है बहुत एहतियात से, तो इस प्रोग्राम को हम दोबारा से समझते हैं, क्योंकि नेस्टेड लूप किसी को समझ में आ गया तो वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो
हम इसको यहाँ पे सामने रखते हैं और हम कहते हैं ये हमारे पास रॉज हैं चार, चार रॉज और चार कॉलम्स। इसको बड़ी गौर से समझना है ताकि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट जो है ये 100% क्लियर हो जाए। तो 100% क्लियर हो जाएगा तो किसी को मसला ही नहीं होगा कोई नेस्टेड लूप समझने में। अगला नेस्टेड लूप हम इतनी डिटेल में नहीं समझाएंगे। तो इसको हमने सबसे पहले देखा हमारा बाहर वाला मसला क्या है। बाहर वाला मसला हमारे पास हम कलर बदल लेते हैं इसका ताकि जो है आसानी हो जाए सबको समझने में। फिलहाल अगर कलर नहीं भी बदलता तो कोई इशू नहीं। ये एक 4x4 का स्क्वायर है। हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे मौजूद, हमारे पास चार रॉस और चार कॉलम्स मौजूद है। हमने एक लूप लिख लिया जिसका काम क्या होगा, वो जी चार रॉस और चार कॉलम्स को मैनेज करेगा। वो पहले इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा और फिर वो इधर आएगा। ये तो आउटर लूप हो गया। एक लूप ऐसा है जो कि बाहर की चार रॉस को कवर करेगा। वो लूप कौन सा है जी? वो लूप ये वाला है जो ऊपर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा हम इस रॉ पे आ गए, पहली रॉ पे, यानी लूप पहली दफा चला हम यहाँ पे आ गए। जैसे ही ये लूप नीचे आया इसको एक और लूप मिल गया। अब ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप इनर कॉलम्स को, इनर एंट्रीज को मैनेज कर रहा है। तो इनर एंट्रीज क्या है जरा गौर से देखें सारे लोग। इनर एंट्रीज में 1 1 1 प्रिंट हुआ है। तो जैसे ही ये लूप चला ये इस रॉ में आया होगा, उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा लूप आ गया हमारे पास। और वो दूसरा लूप कौन सा है, वो ये वाला लूप है। उसने क्या करना है, प्रिंट 1 करना है और जगह छोड़नी है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी भाई। और जगह छोड़ने के बाद इस लूप को कितनी दफा चलना है, साइड लिखा हुआ है। अब आप समझे आपने साइड में 4 एंट्री दी, तो ये लूप भी 4 मरतबा चलेगा। तो ये 1 प्रिंट करेगा, जगह छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, ये इनर लूप है। फिर जगह छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर जगह छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा। तो इस लूप ने कितनी दफा चलना है, जितनी दफा साइड लिखा हुआ है आपके पास, यानी 4 दफा चलना है। 4 दफा चलेंगे तो ये लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और जैसे ही एंड होगा ये बाहर निकलेगा इससे। और बाहर निकलते ही आपने क्या करवाना है, आपने कहा है ड्रॉप द लाइन, लाइन छोड़ दो, ये आपने प्रिंट करवा दिया खाली। आपने कहा इससे लाइन छूट जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लूप एक दफा चल गया। अब ये ऊपर आया तो ये साइड क्या दिया हुआ था आपने, 4 दिया हुआ था। एक दफा चल, पहली दफा चलते हुए ये कहाँ पे आया था, इस रॉ में। अब ये किस में आएगा, सेकेंड रॉ में। अब सेकेंड रॉ में आएगा तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसने क्या करना है, 1 प्रिंट कराना है, लाइन छोड़नी है, 1 प्रिंट कराना है, लाइन स्पेस छोड़नी है, सॉरी, फिर 1 प्रिंट कराना है, फिर स्पेस छोड़नी है, फिर 1 प्रिंट कराना है। जैसे ही लूप खत्म होगा तो क्या होगा भाई, फिर से लाइन छोड़ेगा। और लाइन छोड़ के जैसे ही ऊपर जाएगा फिर ये वाला लूप तीसरी दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटर लूप। फिर आउटर लूप तीसरी दफा एग्जीक्यूट हुआ तो अभी किस लूप में आ गया, इनर लूप में आ गया। इनर लूप में क्या करना है भाई, 4 दफा चलना है। जैसे आउटर 4 दफा चलेगा, इनर भी 4 दफा चलेगा। आउटर अभी तीसरी दफा चल रहा है। जैसे ही आउटर चलता है एक दफा, इनर अपने आप को 4 मरतबा चलाता है। और जैसे ही आउटर चलता है एक मरतबा, इनर अपने आप को 4 मरतबा चलाता है। अब आउटर चल रहा है तीसरी मरतबा, अब इनर क्या करेगा, फिर 4 मरतबा चलेगा, 1 प्रिंट करेगा, स्पेस छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर स्पेस छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, स्पेस छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा। और फिर उसके बाद क्या, जैसे ही 4 दफा चल गया इनर, इनर 4 दफा चल के खत्म हो जाता है, खत्म हो गया फौरन लाइन छोड़ के नीचे आता है। और अब इनर खत्म हो गया तो अब किसकी बारी है, आउटर की। आउटर फिर स्टार्ट हो गया। तो आउटर एक दफा चलता है तो इनर को 4 मरतबा चलाता है। आउटर लूप ये वाला है। तो फिर अब इनर चलेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, फिर लाइन छोड़ स्पेस देगा, फिर 1 प्रिंट, फिर स्पेस देगा, 1 प्रिंट, फिर स्पेस देगा, 1 प्रिंट। तो याद रखें आउटर लूप, जो आउटर लूप है वो एक दफा चलता है और उसके एक दफा चलने से इनर वाला जो है 4 मूवमेंट्स लेता है, 4 मूव लेता है। आउटर लूप एक दफा चलता है और उसके एक दफा चलने से, यानी आउटर लूप यहां पहुंचता है तो इनर को 4 चक्कर लगवाता है। फिर आउटर लूप दूसरी दफा चलता है तो इनर को कितने चक्कर लगवाता है, फिर 4 चक्कर लगवाता है। तो आउटर लूप 1 टाइम्स, इनर मूव 4
फोर टाइम्स। क्यों? आउटर स्टार्ट हुआ, इनर में गया, इनर ने 4 मरतबा घूमने, फिर ऊपर चला गया। आउटर एक आउटर पहली दफा स्टार्ट हुआ था, अब आउटर दूसरी दफा स्टार्ट होगा, फिर इनर को 4 चक्कर लगवाएगा, फिर आउटर दूसरी दफा कर चुका था राउंड, फिर ऊपर जाएगा। आउटर कितनी कौन सी दफा स्टार्ट होगा? तीसरी दफा, फिर इनर को 4 चक्कर लगवाएगा, फिर उसके बाद आउटर लूप 3 कर चुका, ऊपर जाएगा। अब आउटर कितनी दफा कौन सी दफा स्टार्ट होगा? चौथी दफा, तो अब इनर को 4 चक्कर लगवाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का, कि एक लूप आउटर होता है, एक लूप इनर होता है, और ये सब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को देख के। तो अब हम आते हैं, इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमने लॉजिक बना ली, अब हम 4 बाय 4 क्या क्या 10 बाय 10 का भी स्क्वायर प्रिंट करा सकते हैं। तो पाइथन में बेसिक चीज़ है लॉजिक, समझ में आ जाए अगर किसी को कि प्रोग्राम की कैसे बनानी है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो अब मैं 4 बाय 4 नहीं, 6 बाय 6 का स्क्वायर बना देते हैं। हमें 6 इनपुट दूंगा, क्योंकि अब मैंने लूप ही ऐसा लिखा है जो इनपुट ले और काम करे, तो 6 लिखा, तो 6 बाय 6 का स्क्वायर बनाना शुरू कर दिया। अब मैं ये जो प्रिंट 1 था ना, इसको कहता हूँ 9 प्रिंट कराओ, भाई 9 ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आए इसको अब रन करते हैं, अब 9 प्रिंट होगा। लेकिन अब ये मुझसे पूछ रहा है कितनी साइड का स्क्वायर है भाई, अब 6 बाय 6 का स्क्वायर बने खूबसूरत सा, तो ये 9 9 9 9 प्रिंट हो गया। तो ये लॉजिक का कमाल है, कि अगर आपको लॉजिक बनाना आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने लिखा तो 4 बाय 4 का देख के था, मैंने देखा था भाई 4 बाय 4 का स्क्वायर, ऐसा प्रोग्राम लिख दूँ। अब मैं इसको ये भी बोलूँ ना कि 12 बाय 12 का स्क्वायर बना दो, तो मैंने लॉजिक सही बनाई है, तो ये 12 बाय 12 का भी खूबसूरत सा पैटर्न आपके सामने ड्रॉ करके देखा। तो ये पाइथन का कमाल है। तो यही चीज़ें सिखाने के लिए आपको लूप समझ में आने चाहिए। लूप के हम 8 प्रोग्राम लिख चुके हैं, और नवा प्रोग्राम हमने आपके सामने लिखा है, जो कि है नेस्टेड लूप। अब हम 3 प्रोग्राम लूप के और लिखेंगे, हम चाहते हैं आप लूप के मास्टर हो जाए। तो नेस्टेड लूप 1 था, अब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसका नाम रखेंगे हम नेस्टेड लूप 2। और अब थोड़ा सा चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। तो नेस्टेड लूप 2 का प्रोग्राम लिख रहे हैं, और इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम को देखते हैं और इसको समझते हैं। प्रोग्राम क्या है हमारे पास? जीए प्रोग्राम है। तो इसमें, इस प्रोग्राम में देखें, सबसे पहला जो पैटर्न है ना, उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे। सबसे पहला पैटर्न सबको नज़र आ रहा है? तो सबसे पहले पैटर्न को अगर देखें, तो सबसे पहले पैटर्न में क्या है, एक स्टार बना हुआ है, और फिर उसके नीचे एक, उसके नीचे 2 स्टार हैं अगली लाइन में, फिर उसके नीचे आए 3 स्टार हैं, फिर उसके नीचे आए 4 स्टार हैं, और आगे चले जाए 5 स्टार और आगे। तो ये पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट करता है, फिर थोड़ा गैप, पहली दूसरी लाइन में आता है 1 स्टार प्रिंट करता है, फिर गैप देता है, 2 स्टार प्रिंट करता है, फिर 3। तो ये काम हुआ है लॉजिक से। तो किसी को अगर लूप समझ में आ गए ना, और लूप का वो उस्ताद बन गया, तो वो ये लॉजिक बड़ी आसानी से बना लेगा। तो आए सबसे पहले ना, हम पहले क्वेश्चन को देख के समझते हैं करना क्या है। भाई ये कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं ना, हम आउटर लूप लिख देते हैं, पहले ही लिख देते हैं आउटर लूप। तो आउटर लूप लिखते हैं हम फॉर आई इन, हम स्टार बनाएंगे, 4 का भी नहीं बनाएंगे, फॉर आई इन रेंज 0,5, हमने पहले से लिख दिया। क्वेश्चन देख के लूप के आप उस्ताद बन रहे, मास्टरिंग द लूप आपके जो है ना प्रोग्राम का नाम है। तो भाई पहला लूप तो लिख दिया, पहला लूप क्या था भाई, ये 4 रोज हैं और जो है ना 4 कॉलम्स हैं, इस पे काम करना है, तो 5 लिख दिया हमने, 5 के लिए बना रहे। फिर उसके बाद अब आया इनर लूप। इनर लूप होती है काम की चीज़। आपको याद है आउटर लूप तो हम चलाते रहते थे ऐसे रॉ में, लेकिन हम जब चला रहे हैं इनर लूप। इनर लूप में इसने करना क्या है, पहले एक प्रिंट करना है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर अगली लाइन में आके 2 स्टार, फिर उससे अगली लाइन में 3 स्टार, फिर उससे अगली लाइन में 4 स्टार, और फिर उससे अगली लाइन में 5 स्टार, जैसा अभी जितना भी आगे जाना चाहे। लॉजिक बन गई तो सब हो सकता है। तो पहली लाइन में कितने स्टार है भाई? 1, और उससे अगली में 2। यानी आउटर लूप तो 4 रो तक चलेगा, लेकिन इनर लूप में है फनकारी। तो इस इनर लूप को जरा देखते हैं, और इस इनर लूप को हम लिखते हैं, और इनर लूप को लिखते हैं हम जाके यहीं पे, इसी इसी लूप की बॉडी में, फॉर। तो देखिए इनर लूप आउटर लूप की बॉडी के अंदर होगा, अगर ऐसे बाहर लिख दिया गलत है, तो बॉडी के अंदर लिखना है। नहीं लिख रहा, जे लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम बदल लो, जे इन रेंज, ठीक है। अच्छा, अब इस इनर लूप को लिख रहे हैं, इनर लूप भी कितने तक चलेगा? 0 से चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा इनर लूप? अब इसमें तो यहाँ पे तो 4 एलिमेंट नहीं लिखे हुए, यहाँ पे तो हमारे पास लिखे हुए थे ना भाई 4 बाय 4 का स्क्वायर है। अब अगर अपनी फिगर को देखें, तो इसमें तो 4 एलिमेंट है ही नहीं। पहला एलिमेंट है, फिर उसके बाद अगली रो में 2 एलिमेंट है, फिर अगली रो में 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है, तो ये दिमाग हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, और इस दिमाग को हमने यहाँ पे लगाना है कि भाई देखो पहली रो में 1 था,
अब दूसरी रो में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी जीरो कॉमा साइड लिख दूँ जैसे उस लूप में लिखा था, यहाँ पे तो एक एक वर्ड है। तो अब यहाँ पे एक लॉजिकल चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये लिखेंगे आई प्लस वन। ये क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आया, हम समझाएंगे कि क्या समझ नहीं आया। हम यहाँ पे जाते हैं प्रोग्राम में, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा इसकी रेंज आई प्लस वन। अब हम ये समझाएंगे कि आई प्लस वन क्यों लिखा और इसके लिखने की वजह क्या है। तो बड़ी लॉजिकल चीज़ है ये आई प्लस वन, और इस आई प्लस वन को समझते हैं पहले। ये सारी चीज़ें रिमूव करते हैं और नई फाइल पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आई प्लस वन क्यों लिखा हमने यहाँ पे। ये एक स्टार हो गया भाई, ये दो स्टार हो गए, ये तीन स्टार हो गए, और जो ना ये चार स्टार हो गए। पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, सही है। और आपने कहा कि भाई मैंने आउटर लूप लिख दिया, बहुत अच्छे भाई आपने आउटर लूप लिखा। आउटर लूप क्या करेगा भाई, चार रोज तक जाएगा, ये आउटर लूप का काम है। 1 2 3 4, ये ले आउटर लूप हो गया आपका, 1 2, ये जाता रहेगा। असल कारीगरी जो है, असल आपका जो लॉजिकल वर्क है, वो तो इनर लूप में। अब इनर लूप में पहले 4 बाय 4 का स्क्वायर प्रिंट होता, अब तो ऐसा नहीं है। अब पहली रॉ में जब हो तो एक ही स्टार प्रिंट करे, और अगली रॉ में जाए तो दो स्टार प्रिंट करे। तो देखें लॉजिक जो हमने इस्तेमाल किया वो ये है कि जब आउटर लूप की वैल्यू 1 हो तो इनर लूप की वैल्यू भी, प्रिंटिंग की वैल्यू हमने क्या कर दी, आई प्लस वन। याद रखें हमने आउटर लूप का जो नाम दिया है यहाँ पे, देखें अपने प्रोग्राम में वो आई दिया है। तो हमने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक इस्तेमाल की। वो ज़बरदस्त लॉजिक क्या है भाई, वो ज़बरदस्त लॉजिक ये है कि हमने आई प्लस वन कर दिया। जब ये पहली रो में होगा, आउटर लूप की वैल्यू 1 होगी तो एक स्टार प्रिंट करेगा, और जब आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको क्या बोला है हमने, आई प्लस वन, तो ये कितने स्टार प्रिंट करेगा। हमने क्या कहा, इसको चलना है, कहाँ तक चलना है। अब पहली वैल्यू इसको मिलेगी 0 प्लस 1, एक स्टार। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्यों भाई, पाइथन का लूप कैसे चलता है, अगर आपने 0 से 5 दिया हुआ है तो ऐसे चलेगा ना, 0 1 2 3 4। तो ये किस तरह चलती है रॉस आउटर लूप की, या हम इसे 1 2 3 4 काउंट करते हैं। पाइथन तो 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3, पाइथन ऐसे गिनता है। तो आप जब पहली रो में होंगे तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। तो ये नंबर ऑफ प्रिंट कितने करेगा स्टार, एक ही प्रिंट करेगा। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो आई प्लस वन तो सेम ही है ना, तो अब क्या करेगा ये, अब ये हो जाएगा 0 प्लस 1 नहीं होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये दूसरी रो में आ गया। तो आई प्लस वन, आई की वैल्यू पहले क्या हो चुकी थी, 1, तो 1 प्लस 1 2। फिर उसके बाद ये दोबारा नीचे आएगा, दोबारा लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी पहले, 2 हो चुकी थी। अब जब ये दोबारा लूप चलाएगा तो 2 प्लस 1 करेगा, क्योंकि हमने आई प्लस वन इस्तेमाल किया, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो लॉजिक कुछ इस तरह बनी है कि जब हम आउटर लूप चलाएंगे तो आउटर लूप इस तरह चलेगा, 0th रो, 1th रो, 2th रो और 3th रो, सही है, 0, 1st, 2nd, 3rd रो, सारी चीजें बोलते हैं ये आउटर लूप है। हमने क्या कहा, जब आउटर लूप चले आउटर लूप की वैल्यू को उठाओ और इसमें +1 करा दो, इतनी दफा ही स्टार को प्रिंट कराना, आई +1 दफा। तो 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो ये प्रोग्राम लिखने वाले का कमाल है कि उसने इतनी बेहतरीन लॉजिक हमें बना के दी। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या प्रिंट करना था, ये तो हम सबको पता है, हमें प्रिंट करना था स्टार, तो हम भाई स्टार प्रिंट कर देंगे। और स्टार के जाना हम जगह वो एंड वैंड नहीं इस्तेमाल करें कि थोड़ी सी जगह छूट जाए और फिर उसके बाद प्रिंट हो, तो हमने एक स्पेस करेक्टर छोड़ दिया। और उसके बाद हम चाहते हैं यार थोड़ी सी जो है ना वो आगे जाए, तो हम यहाँ लिख एंड का वेरिएबल बना दिया, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं भाई लाइन भी छोड़ना, तो हम इससे कहेंगे जब आप अपना लूप मुकम्मल कर लें, हम इससे कहेंगे जब आप अपना लूप मुकम्मल कर लें, यानी इस लूप से बाहर आएंगे, इस इंडेंटेशन में यहाँ आएंगे, जब आप अपने स्टार को प्रिंट कर लें तो आप एक खाली लाइन छोड़ दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई खाली लाइन छोड़ देना। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे प्रिंट कर रहा है, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, देखें ये देखें हमारे पास बहुत खूबसूरत सा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब भाई हमने 5 रॉ के लिए किया, हम चाहते हैं यार ये 6 रॉ के अंदर हो जाए, आपने लॉजिक सही बनाई ना, अब आप 10 रॉ के लिए भी कर लें इसको, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये सही चलेगा। तो हम रन करते हैं,
देखिए, दस रो तक बेहतरीन खूबसूरत एफएसएम का स्टार बन रहा है। तो क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक समझने की बात है कि हमने 0 1 2 3 आउटर लूप तो ऐसे लिख दिया, इनर लूप में आए तो इंक्रीमेंट तो हो रहा था लेकिन रो बाय रो आ रहा, तो हमने इस वैल्यू को उठाया, लॉजिक बनाई, आउटर लूप की वैल्यू उठाया और उसमें आई प्लस वन कराते गए। हमने कहा आई की वैल्यू सेव करो, उसमें प्लस वन कराते रहो, जब आई की वैल्यू मिल जाए आई प्लस वन उतनी दफा प्रिंट कराना, उतनी दफा प्रिंट कराया। तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया, तो आई की वैल्यू जो थी उतना ही इस लूप ने घूमना है, आई की वैल्यू 1 होगी तो एक ही दफा ये लूप चलेगा, तो एक दफा स्टार प्रिंट होगा, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 मरतबा स्टार प्रिंट हुआ, जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो 3 दफा स्टार प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई तो 4 दफा स्टार प्रिंट हुआ। तो ये हमारे पास बड़ा लॉजिकल सा प्रोग्राम था जो कि हमने सॉल्व किया। आए थोड़ी सी लॉजिक को और नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, क्योंकि आपके लेक्चर का नाम है मास्टरिंग द लूप। तो नेस्टेड लूप का थर्ड लेक्चर हम देखते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा और मुश्किल पैटर्न है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो नेस्टेड लूप का थर्ड लेक्चर, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपको लॉजिक बनाना आ गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं पाइथन में। तो नेस्टेड लूप का थर्ड लेक्चर जो है वो हमारा बेस कर रहा है इस पे ना, ये जो दूसरा पैटर्न है हमारा, दूसरा पैटर्न बड़ा अजीब सा अगर किसी को लग रहा हो तो ये अजीब नहीं है, ये सही है, लेकिन हाँ इसको कहेंगे कि हाँ भाई ये वाकई चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इसके अंदर अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 4 5 तक तो वही वाला है, और उसी पैटर्न का इन्वर्स हुआ हुआ है नीचे, यानी उसको हमने उल्टा कर दिया। हमने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। अच्छा ये क्या क्या बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और न्यू हम दिखाते हैं इसके ऊपर ताकि ये बात समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है इस सवाल के अंदर। इस सवाल में देखिए 1 2 3 4 5 रॉज हैं, और हम भी ऐसी बना देते हैं यहाँ पे ताकि सबको समझ में आ जाए। 1 2 और यहाँ पे 3 कर देते हैं इसको, थोड़ी सी डायग्राम हमारी ख़राब हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। 4 और 4 के बाद इधर देखें तो ये 5 रॉ आ गई, ये इस तरह है कुछ, लेकिन सेम पैटर्न है, ये नीचे भी यही बना हुआ है, लेकिन इस पैटर्न को देखें, ये जो नीचे पैटर्न है ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, आए हम इसका लूप लिखने की कोशिश करते हैं, और लूप कुछ ऐसा लिखें कि काम आसान हो जाए हमारा। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो ऊपर वाला पैटर्न तो वही है जो हम पहले पढ़ के आए, जो हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले किया। अगर इसी पैटर्न को उठा के, इसी पैटर्न को उठा के हम इस पैटर्न को सिलेक्ट करें और इसी पैटर्न की कॉपी बनाएं एक इस तरह की, और इसको अगर हम रोटेट कर दें, रोटेट करें और रोटेट करें, बल्कि नहीं इसको रोटेट 90 रहने दें, बल्कि और इसको चेंज करते हैं, ये जो पैटर्न है ये जो हमने बनाया है, अगर हम इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप कर रहे हैं, सॉरी गलती हुई मुझसे, इसको अगर हम फ्लिप कर दें वर्टिकल, बात समझ में आ रही है, और ऐसे नीचे रख दें, अब देखें इसको फ्लिप करके हमने नीचे रख दिया, तो आप अपने सवाल को देखें क्या ये यही पैटर्न नहीं है। बड़ी गौर से देखें, ये समझने की बात है, आप मैथमेटिक्स में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप लॉजिक को समझें, तो ये आपने स्टार का पैटर्न जो पहले बनाया था ये रहा, उसका प्रोग्राम भी लिखा हुआ है आपने, आपने खुद लिखा ये प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, इसी पैटर्न को फ्लिप कर दिया हमने। अच्छा जी, यानी इसको उठाया, ऊपर की वैल्यू बनाई और नीचे की वैल्यू लिख दी, यानी इसको उल्टा कर दिया। तो ये बड़ी लॉजिक है कि इस ये कैसे करें, क्योंकि हमें ये करना तो आता है, इसके ये जो हिस्सा है इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, क्यों, क्योंकि आपने ये समझ के लिखा है, लेकिन ये जो हिस्सा है इसके नीचे ये कैसे बने, तो ये हमारा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम पे बात करेंगे और इस प्रॉब्लम पे आते हैं और अपना प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को लिखने से पहले एक बात करेंगे, वो एक बात ये कि भाई ये 5 लाइनें थी ना स्टार की, हम ले लेते हैं n=5 और हम वही वाला प्रोग्राम लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था, फॉर आई इन रेंज 0, n, n ये खुद ब खुद 5 ले लेगा क्योंकि 5 हमने ऊपर इसको बता दिया था। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे और उसके बाद
वही वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं, यही प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा था प्रिंटिंग कराने के लिए, ये प्रोग्राम इसकी कॉपी बना रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। फॉर जे इन रेंज, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं वही आई, आई लिख रहे हैं, ठीक है भाई, आई आई पे आ जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट कराएंगे हम इसे। अच्छा ये प्रिंट करा रहे हैं हम, क्या प्रिंट करा रहे हैं, ये भी हमने पहले किया था, ये वही चीज़ है जो हमने पहले की थी, बिल्कुल सेम टू सेम, और इसी को हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। क्या चीज़ थी ये, प्रिंट स्टार, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद हमने एंड किया था, सबको याद होगा, एंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन छोड़ी थी। अब हम यहाँ पे लाइन भी छोड़ते नहीं हैं, मतलब ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल देते। तो ये पुराना प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखें तो हमें याद आ जाएगा कि यार ये प्रोग्राम कर रहा क्या था। तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल स्टार प्रिंट करा रहा है। तो हमें ये तो करना है, ये तो मसला नहीं, ये काम तो हमें करना है, लेकिन हम इस काम के साथ एक चीज़ और करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी फ्लिप इमेज बनानी है। ये जो इमेज बन रही है इसकी हमें फ्लिप क्रिएट करना है, ये वाला हिस्सा। ये तो हम कर चुके हैं, ये कैसे कर चुके हैं भाई, यहाँ पे आप एन की वैल्यू बढ़ा लें ये तो बढ़ जाएगा, ये नहीं मसला हमारे लिए। तो हम इसी के नीचे एक और लूप लिखते हैं, इसी के नीचे एक और लूप लिखते हैं, और उस लूप को बड़ी गौर से देखना है और उस लूप को हमने समझना है। तो इसी के नीचे एक और लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब ये लूप जो है इसको अगर देखा जाए तो ये लूप हम जो लिख रहे हैं ये रिवर्स लिखेंगे, क्यों, ये है सिंपल, और दिस इज रिवर्स। रिवर्स कैसे है भाई, हम 1 से 5 पे जा रहे थे इसके इनर लूप में, 1 2 3 4 5, लेकिन अब यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, 5 4 3 2 1, तो रिवर्स में जाएंगे। तो हम लूप लिख रहे हैं एन टू जीरो, 0 to n, एन टू जीरो, और एन टू जीरो लूप किस तरह लिख रहे हैं, हम लूप एन टू जीरो इस तरह लिख रहे हैं, 5 -1 4, 4 -1 3, 3 -1 2, एंड सो ऑन। तो वी हैव रिटन एन 0 -1, रिवर्स लूप, इट इज रिवर्स लूप, एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर राइटिंग द सेम वे इन फॉर जे इन रेंज आई। अब हमने यहाँ पे वही आई कॉल कर लिया जो कि हमने पिछली दफा किया था, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसको, और लिखेंगे कुछ इस तरह कि वही प्रिंट कराएंगे जैसे हम पहले प्रिंट करा रहे थे, स्टार कॉमा एंड इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, खाली स्पेस छोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद प्रिंट। अब हमें लाइन नहीं छोड़नी, बस हम यहाँ पे सिर्फ क्या करा रहे हैं, प्रिंट खाली एक जगह जगह दे रहे हैं इसको, क्योंकि हम लाइन छोड़ना चाहते हैं तो हम लाइन ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमास लगाए बगैर भी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा के भी छोड़ सकते हैं और बगैर इन्वर्टेड कॉमास लगाए भी छोड़ सकते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, और इसको रन किया देखें हमारे पास पैटर्न एग्जैक्टली प्रिंट हो गया। तो बड़ी गौर से इसको समझना है, हमने यहाँ पे एक चीज़ करी है उसको कहते हैं रिवर्स लूप, और हमने यहाँ पे रिवर्स लूप इस्तेमाल किया है। कैसे, 1 2 3 4 5, ये सिंपल लूप जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे रिवर्स किया है, इसी सारे मेथड को रिवर्स कर दिया वो इस तरह कि हमने लूप अब 0 से 5 तक नहीं, 0 से 5 तक चलाया था पहले, तो अब लूप
फाइव से जीरो तक चला है, और फाइव से जीरो चलाने के लिए लूप के अंदर हमने माइनस वन का डिक्रीमेंट कराया। तो लूप लिखने का एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, आप स्टार्ट और स्टॉप डिफाइन करें और नंबर ऑफ स्टेप्स डिफाइन करें। तो आए लूप लिखने का वो तरीका भी देख लेते हैं आज, जो तरीका हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, लूप रिवर्स। तो लूप रिवर्स कैसे लिखते हैं आप, और आई इन रेंज, देखिए वी वांट टू गो 180 180 20, टेकिंग रिवर्स स्टेप। तो रिवर्स स्टेप इज माइनस वन स्टेप। नाउ प्रिंट आई, दिस वी आर प्रिंटिंग आई, दिस इज द मेथड। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिवर्स प्रिंट। व्हाट इट हैज डन, इट हैज प्रिंटेड 180 20, taking 180 to 1, taking steps of minus 1. So it is reverse loop, reverse it is producing reverse values. So if you want to go 0 to 180, you can add plus 1 as the third argument. So if you want to go 180 to 0, you have to add minus 1. So if we do this to minus 2, it will go to 180 to 0, but taking 2 steps. So see it also as well. So you have seen that it is going 180, 178, 176, like that. So that is the method we have used here, using reverse loop. And what this program is very simple, just we have copied this technique in reverse loop, in this technique. So I hope you got the idea of the reverse loop and the forward loop. Now the last program is also very interesting, and it is about printing the numbers. So go to the last program and we will talk about the last program as well in the same tutorial. So this is the last program, 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. So but now this program should be written using the nested loop structure. So we will write it using nested loop. So first of all, if we want to run this program, if we want to make this program, count the number of rows, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So you are a logical programmer, you do everything by logic. So what we will write, nested 4. Now we will write this program for how many rows, in 10, for I in range 10. So what we have done, first we have seen this question. The question says there is about 10 rows. In Python, rows will take the count as n minus 1. 10 minus 1, 9 rows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, that is the outer loop. Outer loop is very easy all the time. The problem is about the inner loop. So write the inner loop. We will write I, same variable or different by your choice, for I in range. What I am writing here, I am writing something like for j in the range, you can change the name. I am writing i here. So I want this, if the loop runs one time, I want to print one time. I want to print the loop. We will understand the concept, nothing to worry about. First we have written the outer loop. Why? How we have written it? We have just seen the number of rows and columns and write it. That's very easy. The second thing is about the inner loop. What the inner loop is doing? Inner loop, in the first row is printing 1, in the second row it is printing 2 2, in the third row it is printing 3 3. So how we can do it? The outer loop is very simple. You can just count the rows and column and make the outer loop. The second loop is about some sort of difficulty. So we have written, for j in range I, and what we are doing, and we are printing something, print I. What we are doing, we will explain it, so no need to worry about that. It is something new. If you get the concept of the last lecture, you will end up enjoying this. What we have done here, we have added empty space, and what we want after adding empty space, we want to drop lines.
So now we are going to the concept. What we have done in this, we have just outer loop, which is very simple, count the number of rows. The second thing, which is the complicated one, is how to write the inner loop. We have used for j, for the outer loop, it will go to the 0th position, then first position, then 2 position. The thing is about inner loop, how we can write this one. So it's very simple. It will start, we have defined the range as 10, so it will start from 0 or it will start from 1. You can start from both if you can assign the range 0 comma 10 or 1 comma 10. So it's on you. So first of all, when it will come, it will see 1. The loop, when the loop will run, it will see 1 on the outer loop. So what it will do, it will print the value of outer loop. See here. So what is the first value? Suppose it is 0. So it will print 0. Make it simple. It will print 0 and 0 has no value. So when it will go to the first time, it will print 1. When the outer loop will go for the second time, what we have used here, we have used print the value of the outer loop. So we have used print the value of the outer loop, which is what? Which is 2. But why it is printing 2 times? So please see, we have assigned here for j in range I. So what is the value of outer loop? The loop will run the same number of times. So what we have written for j in range I, when it will go to the third row, it will, what it will print in I? It will print 3. And how many times it will print 3? Because we have written for j in range I. So the loop will run the number of times that the outer loop is. So इसको बहुत आसानी से समझने की ज़रूरत है. ये है, इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले आउटर लूप पहले डिफाइन किया कि भाई 10 मरतबा चलाना है. फिर हमने इनर लूप जब डिफाइन किया तो इनर लूप को चलाना कितनी दफ़ा है वो किस पे बेस कर दिया, इस पे. तो अगर 1 होगी आउटर लूप की वैल्यू तो इनर लूप 1 दफ़ा चलेगा, और अगर 2 होगी तो 2 दफ़ा चलेगा, और 3 होगी तो 3 दफ़ा चलेगा. और ये 1, 2, 3 कहाँ से आया? तो हम जब प्रिंट करा रहे थे, हमने प्रिंट में आई की वैल्यू ही आउटर लूप पर डिफाइन कर दी. आई बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया. आई हमने यहाँ रेंज में भी इस्तेमाल किया और आई प्रिंट में भी इस्तेमाल किया. यही वजह है कि इस प्रोग्राम को, जो हमने पहले एसटीआर से लिखा था आसान करके, इस तरह भी लिखा जा सकता है. तो अब इसको चला के देखते हैं, तो इसका आउटपुट आप सबको नजर आएगा. और इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को चला के, तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी चीज़ें आ रही हैं, और जितनी दफ़ा आप चाहते हैं उतनी दफ़ा आ रही हैं. प्रोग्राम को थोड़ा गौर से देखें, तो सबसे पहले आई को 10 तक चलाया है हमने, फिर उसके बाद जे को इस्तेमाल किया, लेकिन जे की रेंज कहाँ रखी है? जितनी दफ़ा आउटर लूप की जो वैल्यू है वही जे की रेंज है. द रेंज ऑफ जे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, रेंज ऑफ जे, रेंज ऑफ जे लूप इज द वैल्यू ऑफ आउटर आई. अब बात सबको समझ में आ गई होगी कि जे जो चलेगा ही उतनी दफा जो आई की वैल्यू, और हमने प्रिंट अंदर क्या कराया, हमने प्रिंट अंदर भी आई की वैल्यू कराई है जो कि 1, 2, 3. तो अगर 1 आता है तो 1 एक मरतबा चलेगा जे, 2 आता है दूसरी रॉ में पहुंचता है तो वो 2 मरतबा जे को चलेगा, अगर 3 है आउटर लूप तीसरी दफा आता है तो 3 मरतबा चलाएगा इनर लूप को, और वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी, वही जो कि आउटर लूप की है. अगर 1 है तो एक दफ़ा 1, 2 है तो 2 मरतबा 2, 3 है तो 3 मरतबा 3 प्रिंट करें, 4 है तो 4 मरतबा 4 प्रिंट करें. तो ये लॉजिक है, और अगर लॉजिक बनाने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं. आपने ये 3 पैटर्न बड़ी आसानी से प्रिंट करना सीख लिए, और तीनों लॉजिकल थे. तो जो मास्टरिंग द लूप, जो हमारा लेक्चर है, जो लूप्स को मास्टर करना चाहता है, उसे ये तीनों पैटर्न, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे तरीके से चारों पांचों पैटर्न और सारी लिस्ट समझ में आ गई होंगी. तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं. किसी का कोई सवाल है तो वो इस लेक्चर के बाद हमसे पूछ सकता है. थैंक यू.